अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से आपके साथ ब्रेड स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक पैन लिया, पैन में मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने 1 स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और गार्लिक पेस्ट के साथ ही मैं यहाँ पर चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर दी थी, ठीक है। और चिकन के साथ ही मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूँगी और इन सब को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करूँगी। चिली सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें कैबेज ऐड करूंगी और मैंने इसकी बुनाई करनी है। मैंने इसकी बुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पानी खुश्क हो गया है और मैंने इसे मज़ीद 5 मिनट तक भूनना है। ये देखिए ये कलर भी चेंज हो गया इसका। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकालूंगी। ये देखें जी, ये गरम गरम चिकन हमारा रेडी है। ब्रेड लूँगी और ये ब्रेड के किनारे मैंने कट कर दिए हैं। यहाँ मैंने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपने भी ध्यान रखना है कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। ब्रेड को मैं कट कर लूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी लिया है और ये देखें अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं फिलिंग करूँगी और इसे फोल्ड करके साइडों पे मैंने पानी लगाना है, पानी की मदद से इसको बंद करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड फ्रेश ही हो, अगर ब्रेड फ्रेश नहीं होगी तो ये चिकन बाइट्स आपके अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं तमाम ब्रेड चिकन बाइट्स रेडी करूँगी। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और अंडे में मैंने 2 चम्मच दूध ऐड किया, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसकी भी कोटिंग करूँगी, ठीक है। और जहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं, पहले मैंने इसके ऊपर अच्छे से अंडा लगाना है, फिर मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और फिर मैंने इसको गर्म गर्म ऑयल में फ्राई करना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।